हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इन अदर वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ शंट। तो एमीटर यह आपने बहुत सुना हुआ है। एमीटर एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है एम्पियर मीटर का। एम्पियर ये करंट की यूनिट है और मीटर मतलब ऐसी कोई डिवाइस जो मेजरमेंट के काम आती है, यानी एमीटर इज द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट्स, और उसका ऐसा होता है सर्किट सिंबल। और वोल्टमीटर मतलब जो वोल्टेजेस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है वो वोल्टमीटर, इसका सर्किट सिंबल इस तरह का होता है। और हमको पढ़ना है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो बेसिकली एमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर होते हैं, और गैल्वेनोमीटर सीधे डायरेक्टली करंट मेजरमेंट या वोल्टेजेस मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। तो उसको मॉडिफाई करके, उसमें कुछ करेक्शन करके करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर बना लिया जाता है, और उसे मॉडिफाई करके वोल्टेजेस के मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर बना लेते हैं। तो हमको ये जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सबसे पहली बात ये। दूसरा, वो क्यों सूटेबल नहीं है डायरेक्टली करंट या वोल्टेजेस के मेजरमेंट के लिए, और फिर उसमें क्या करेक्शन करते हैं, किस तरह उसे मॉडिफाई करके एमीटर वोल्टमीटर में बदल लिया जाता है। तो इसकी थ्योरी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा, यदि आपकी थ्योरी वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, और फिर कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर्स की। ये बात हो रही है डीसी गैल्वेनोमीटर्स की, ये बात हो रही है डीसी सर्किट्स में। तो डीसी गैल्वेनोमीटर्स ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं, डीसी गैल्वेनोमीटर्स। और किसी भी गैल्वेनोमीटर में दो इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक होती है कॉइल। इस कॉइल को ही आर्मेचर भी कहते हैं, और दूसरा होता है मैग्नेट। आर्मेचर और मैग्नेट, इन दोनों में से कोई एक रोटेट होता है, दूसरा स्टेशनरी होता है। और इसीलिए डीसी गैल्वेनोमीटर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है उसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ऐसा नाम से पता लग रहा है इसमें कॉइल रोटेट होगा, मैग्नेट स्टेशनरी रहेगी। जबकि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट रोटेट होगा और कॉइल स्टेशनरी रहेगी। तो दो तरह के ये होते हैं डीसी गैल्वेनोमीटर्स, मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर्स। अब ये मूविंग कॉइल फिर से दो तरह का होता है, एक होता है सस्पेंडेड टाइप का, जिसमें वो कॉइल फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से सस्पेंडेड होती है, और दूसरे में वो पाइवोटेड होती है। तो दो तरह के ये होते हैं। हम जब इस टॉपिक की बात कर रहे होंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर वोल्टमीटर, तो हम बात इसकी कर रहे होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड पाइवोटेड दोनों की थ्योरी, दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल एक जैसा है, कंस्ट्रक्शन में बहुत स्लाइट सा फर्क है। तो हम इसी की बात करेंगे सिर्फ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड टाइप। इससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा, और गैल्वेनोमीटर को अच्छे से समझने के बाद ये जो कन्वर्शन वाली बात है ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, और साथ में आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहां बना रखा है मैंने, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें ये दिखाए हुए हैं मैंने किसी परमानेंट मैग्नेट के पोल पीसेस, नॉर्थ और साउथ ये एंड्स दिख रहे हैं हमको, किसी हॉर्स शू मैग्नेट के एंड्स हो सकते हैं ये, और इनको किस तरह काटा हुआ है, कॉनकेव सिलेंड्रिकल, ताकि इस रीजन में फील्ड जो वो रेडियल हो जाए। यानी मैंने क्या कहा कि इन पोल पीसेस को कॉनकेव सिलेंड्रिकल कट करके यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली जाती है। कैसी? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर ये जो दिख रही है ये है कॉइल, कॉइल या आर्मेचर, और इस आर्मेचर या कॉइल को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। इसको सस्पेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर,
अभी फास्फर ब्रॉन्ज ये एक अलॉय है, मेटालिक अलॉय। इस मेटालिक अलॉय से इस कॉइल को इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं, और ये दिख रहा है जो सर्कल, ये एक्चुअली प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर क्यों लगाया है, तो इस कॉइल का या इस धागे का, इस फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का जो डिफ्लेक्शन है उसको मेजर करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है जिसको कहते हैं लैंप स्केल अरेंजमेंट। लैंप स्केल अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट का एक ये कंपोनेंट है प्लेन मिरर, लैंप स्केल अरेंजमेंट। और इस मिरर को सिर्फ पेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर, ये धागा या ये स्ट्रिप ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ऊपर से लगाया हुआ है प्लेन मिरर। तो ये उस एंगल को जिससे ये डिफ्लेक्ट होगी कॉइल, उसे नापने के लिए प्लेन मिरर लगाया हुआ है। अब करते क्या है, करते यह है कि जिस करंट को आपको नापना है उस करंट को इस फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के थ्रू इस कॉइल में सेंड कर देते हैं, और ऐसा करने से ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क आएगा। वो टॉर्क कितना होता है, तो वो होता है एन आई ए बी साइन थीटा, इतना टॉर्क उसके ऊपर आता है। इस वजह से ये टॉर्क लगने से वो कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो टॉर्क आया ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये उस कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो उस कॉइल पर एक्ट कर रहा है। और जब ये कॉइल रोटेट होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उस फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप में भी टॉर्शन आएगा, तो वो ऑपोजिट, ये यदि क्लॉक तो वो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्शन आएगा उसमें फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप में। और यदि उस फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप में पर यूनिट ट्विस्ट यदि टॉर्क या कपल प्रोड्यूस हो रहा हो सी, और यदि ये कॉइल फाई से रोटेट हुई होगी तो ये धागा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फाई से रोटेट हुआ होगा, तो उसमें प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क वो होगा सी फाई। आपने ध्यान से सुना, इस कॉइल में जो एक्ट कर रहा होता है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उस धागे में जो टॉर्शन प्रोड्यूस वो है रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, तो वो होगा सी फाई के बराबर। ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो उस फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप में प्रोड्यूस होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। इसमें एन आई ए और बी क्या क्या है, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई इज करंट पास्ड, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये फील्ड कैसी है, रेडियल। इस रेडियल फील्ड की वजह से इस कॉइल की किसी भी पोजीशन में उसके सरफेस पर ड्रॉप किया हुआ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 ही बनाता है, और इसलिए ये साइन थीटा ये जो टर्म है हमेशा 1 हो जाया करेगी। तो एन आई ए बी इक्वल टू हो गया सी फाई, और इसलिए I कितना आ गया, I इज इक्वल टू हो जाएगा सी फाई अपॉन एन ए बी। अब C क्या है, तो मैंने जैसा कहा था आपसे कि यह है रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एक रेडियन के लिए फास्फर ब्रांच के धागे में जितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो फाई से क्योंकि टर्न हुआ है तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है सी फाई। अब ये सी उस फास्फर ब्रांच की लेंथ, उसकी रेडियस, उसके मटेरियल, उस सब पर डिपेंड करता है, यानी सी कॉन्स्टेंट है, वो फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप से रिलेटेड है। एन ए बी ये भी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ये सभी चीजें कॉन्स्टेंट होकर इन सब को हम बोला करेंगे गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। इसलिए इक्वेशन आई इज इक्वल टू के फाई लिखी जा सकती है, आई इज इक्वल टू के फाई, जिसमें के क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। और इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि आई प्रोपोर्शनल टू फाई, इसका मतलब ज्यादा करंट पास करने पर इसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा, और डिफ्लेक्शन को नोट करके उसमें के का मल्टीप्लाई करके हम आई को नाप सकते हैं। और इस फाई को नापने के लिए ही ये लैंप स्केल अरेंजमेंट हम इसमें लगा देते हैं सस्पेंडेड टाइप में। पाइवोटेड में हम एक पॉइंटर लगा देते हैं उस कॉइल के साथ में, वो पॉइंटर किसी ग्रेजुएटेड स्केल पर इस तरह से रोटेट होता है, जैसा मैंने यहां बना रखा है, ये पाइवोटेड टाइप में होगा। ये वो पॉइंटर, ये गैल्वेनोमीटर ही बना रहे हैं हम, इसके
ये जो स्केल है सर्कुलर स्केल, इसके सेंटर पर जीरो होता है। जब करंट पास नहीं करते तब कॉइल भी अनडिफ्लेक्टेड रहती है, वो पॉइंटर जीरो शो कर रहा होता है। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, मान लो लेफ्ट से राइट, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉइल डिफ्लेक्ट हुई होगी। वो कॉइल डिफ्लेक्ट हुई तो ये साथ में लगा हुआ पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होकर कितना करंट हमने पास किया ये हमको नाप कर बतला देगा। ये स्प्रिंग लगी है, हेयर स्प्रिंग, ये रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए, वापस लाने के लिए जब करंट हम फ्लो करना स्टॉप करेंगे। तो इस तरह से ये होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसी को हमें कन्वर्ट करना है एमीटर और वोल्टमीटर में। तो अब सबसे पहली बात, किसको ये करंट नापने के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? तो उसके कई सारे रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन यह है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, और बहुत सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि छोटा सा करंट भी यदि हम सेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है, और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आया छोटे से करंट से ही। मान लो 1 मिली एम्पियर का करंट डालने पर, इसमें सेंड करने पर 1 मिली एम्पियर का करंट ये डिफ्लेक्ट हो गया कंप्लीटली। इसको कहते हैं करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी छोटा सा करंट 1 मिली एम्पियर सेंड करने पर भी इसका पॉइंटर पूरा डिफ्लेक्ट हो गया, इसके आगे और वो मेजर नहीं कर सकता। यानी इसकी रेंज कितनी हो गई? इसकी रेंज हो गई 1 मिली एम्पियर। तो इसकी सेंसिटिविटी हाई है, पर सेंसिटिविटी ज्यादा होने से इसकी रेंज कम हो जाएगी। ये सिर्फ 1 मिली एम्पियर तक के करंट्स को ही नाप पाएगा। अभी हम कह रहे थे कि लेफ्ट से राइट सेंड करने पर ये इधर डिफ्लेक्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट डालने पर ये पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट होगा, पर इसकी लिमिट, जिस लिमिट तक, जिस रेंज तक ये मेजरमेंट्स कर सकता है, वो हुई सिर्फ 0 से 1 मिली एम्पियर तक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने से ये बहुत छोटे करंट्स को ही नाप सकता है, और इसीलिए हमें उसे एमीटर में बदलना पड़ेगा। वन ऑफ द रीजन सही है। अभी हम आगे बात करेंगे कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, वो सब अभी हम समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे कि वाई गैल्वेनोमीटर इज नॉट सूटेबल टू मेजर करंट्स डायरेक्टली। तो अब हम समझ रहे हैं कि वाई गैल्वेनोमीटर इज नॉट सूटेबल टू मेजर करंट्स डायरेक्टली। तो ये डीसी सर्किट यहां दिखाया हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस है आर, और इसके अक्रॉस ईएमएफ ई का कोई सोर्स लगा रखा है। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? तो वो करंट होगा आई इज इक्वल टू ई बाय आर। अब मान लो हमको इस करंट को नापना है, इसको मेजर करना है, तो हमको गैल्वेनोमीटर को लाना पड़ेगा और उसको इस सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? क्या हम उसे पैरेलल में लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पैरेलल में लगाने पर वो करंट, द वेरी करंट विल डिवाइड, उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। इसलिए गैल्वेनोमीटर को हमें लाकर सीरीज में ही लगाना पड़ेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर लाकर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, किस तरह? इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, सो दैट द एंटायर करंट शुड पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना ये हमारी मजबूरी है, हम उसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते यदि हम इस करंट को नापना चाहते हैं। तो बाकी सब आपको पता है कि वो करंट अंदर जाएगा और फिर वो कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, वो फाइन मेजर करेंगे, उसमें के का मल्टीप्लाई करके करंट नाप लेंगे, पर इसको सीरीज में कनेक्ट करने पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो आपने ये अच्छे से दिमाग में रख लिया कि गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, बट व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो जैसा मैंने कहा कि वो मजबूरी है कि वो सीरीज में ही जोड़ा जा सकता है, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉलोइंग डिफिकल्टीज, फॉलोइंग डिफिकल्टीज अराइज। उसमें से सबसे पहली समस्या ये कि सर्किट का रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, 1 ohm से 100 ohm तक वो हो सकता है। हालांकि उसमें वो कॉपर की होती है कॉइल आर्मेचर, उसके बावजूद उसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है।
सर्किट का रेजिस्टेंस था कितना R, पर जब आप गैल्वेनोमीटर लाकर सीरीज में इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस G हो जाएगा, और R प्लस G हो जाने से करंट की वैल्यू द वेरी करंट विल चेंज, मतलब I अब I नहीं रहेगा, R प्लस G हो जाने से वो हो गया से I डैश। तो I डैश कैसा होगा, I डैश लेस देन I होगा, मतलब एरर प्रोड्यूस होगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो तो ये हो जाएगी, फिर से सुन लेगी, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में तो लगाना ही पड़ेगा, और सीरीज में लगाएंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाने से वो करंट ही बदल जाएगा जिसको आपको नापना था, तो एरर प्रोड्यूस होती है। सबसे बड़ी बात, सबसे खराब बात जो फिजिक्स में मानी जाती है कि एरर फुल रीडिंग आएगी, यानी एरर अकर्स, पहली प्रॉब्लम। अब इस एरर को यदि आपको कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो अपने आप दिमाग में आता है कि इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कम करें किसी तरह। ये रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, ये आई डैश का वैल्यू आई के उतना ही पास जाता जाएगा। आइडियली यदि जी जीरो हो जाए तो एरर ही नहीं आएगी, और इसीलिए कहते हैं कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, जो आगे अभी हम समझेंगे। तो एरर आती है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाई जा सकती है। आपसे पूछें एरर कितनी है तो आप क्या बोलेंगे, एरर डेल्टा आई मैं लिख लेता हूं उसे, तो उसको हम कह सकते हैं आई माइनस आई डैश। ये आई क्या है, ये आई है ट्रू वैल्यू, और आई डैश ये है मेजर्ड वैल्यू, तो आई माइनस आई डैश ये एरर होगा। आपसे यदि फ्रैक्शनल एरर कहेंगे तो डेल्टा आई एरर, आई किस में है, ये आई है इस करंट में आई में, ये फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाई जाती है। तो पहली दिक्कत एरर अकर्स। दूसरी बात ये कि ये जो करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ये करंट यदि बहुत ज्यादा वैल्यू का हुआ, हाई वैल्यू का यदि हुआ और वो पूरा पूरा गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ, तो हीटिंग इफेक्ट से वो कॉइल जल सकती है, मतलब वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है यदि ये करंट बहुत ज्यादा वैल्यू का हुआ। साथ में हमने पहले पढ़ा था कि बहुत सेंसिटिव है, छोटे से करंट पर ही बहुत सारा डिफ्लेक्शन आता है, तो यदि लार्ज वैल्यू का हुआ करंट तो वो इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी वो कॉइल, साथ में वो पॉइंटर की वो स्टॉपर पिन से टकरा कर टूट भी सकता है पॉइंटर। यानी अब हम ये कहेंगे कि इफ द करंट टू बी मेजर्ड इज ऑफ हाई वैल्यू, देन क्या क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं, द कॉइल मे डैमेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, जल जाएगी। सेकेंड, द पॉइंटर मे ब्रेक, द पॉइंटर मे ब्रेक स्ट्राइकिंग विद द स्टॉपर पिन, द पॉइंटर मे ब्रेक, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट ही डैमेज हो सकता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से यदि हम करंट नापेंगे तो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, और सीरीज में लगाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट का, करंट ही कम हो जाएगा। यानी अब ये गैल्वेनोमीटर आई डैश मेजर करके बता रहा है, यानी एरर आती है और फिर इसे खराब मानते हैं। ये तो चल जाएगा, कॉइल डैमेज हो गई, पॉइंटर ब्रेक हो गया, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एररफुल रीडिंग नहीं आना चाहिए, मतलब हम इसको ज्यादा माइंड करते हैं एरर को। अब इस एरर को कम करना है या आपको उस इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से बचाना है, इसके लिए हम उसकी शंटिंग करते हैं, और उसे ही कहते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तीसरी बात, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि इसकी रेंज कम होती है, तो जब आप इसको डैमेज होने से प्रिवेंट करेंगे, एरर को कम करने की कोशिश करेंगे, तो रेंज अपने आप ही बढ़ जाएगी। पहले इसकी रेंज कैसी थी, पहले रेंज इसकी कम होती है, ये मिली एम्पियर तक ही नाप पाता है, बस हम इसे एम्पियर तक नाप लेने योग्य बनाएंगे, मतलब इसकी रेंज को हम बढ़ाने वाले हैं,
और उसके लिए हमें इसकी शंटिंग करना पड़ेगी। तो अब तक हमने पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर को यदि डायरेक्टली करंट मेजरमेंट के लिए यूज करें तो ये डिफिकल्टीज अराइज होती हैं। मेजरमेंट में एरर आता है, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है और उसकी रेंज कम होती है। और इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हम करते यह हैं कि गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर के साथ, कॉइल के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को ही कहते हैं शंट। ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस कहलाता है शंट, और ऐसा करने से ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब डिफिकल्टीज ओवरकम होकर ये एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए सूटेबल हो जाता है। इसको समझते हैं। पहले हम सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज से सोचें कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेसर देन लीस्ट होता है। तो यदि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो है 100 ओम और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में यदि कनेक्ट किया होगा तो इक्विवेलेंट 1 ओम से भी कम हो जाएगा, यानी इस एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। और आपको फॉर्मूला याद आया होगा, जो करंट हम नापते हैं गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाकर वो होता है ई अपॉन आर प्लस जी। तो यहां हमने क्या किया है, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ इस शंट को जोड़कर जो इक्विवेलेंट हमको मिलेगा वो कितना होगा, जी एस अपॉन जी प्लस एस। और ये कैसा होगा, तो ये शंट के वैल्यू से भी कम हो जाएगा। तो इसके कम हो जाने पर ये करंट जो हमने नाप कर लाया है I डैश, ये I के क्लोज चला जाएगा, यानी एरर कम हो जाएगी। तो पहली डिफिकल्टी तो इस तरह से ओवरकम हो गई कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो एरर कम हो गया। दूसरी बात ये कि यहां से जो करंट आएगा इसको हम मेन करंट कहा करेंगे। ये मेन करंट जो आएगा वो यहां आने पर उसका क्या होगा, ब्रांचिंग। और फिर हम पैरेलल की प्रॉपर्टी से सोचें कि शंट का रेजिस्टेंस यदि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम है तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये करंट ज्यादातर इधर से चला जाएगा, यहां से करंट आएगा मेन करंट और इसका मैक्सिमम पार्ट शंट में से होकर चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से बहुत कम करंट जाएगा। तो इसके डैमेज होने का, बर्निंग से या पॉइंटर के ब्रेक होने का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी बात भी यहां पर हमने अचीव कर ली, ये दोनों डिफिकल्टीज ओवरकम हो गई। तीसरी जो बहुत अच्छी बात हो गई वो है कि इसकी रेंज बढ़ गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये है वो गैल्वेनोमीटर शंटिंग के पहले, और ये मैक्सिमम करंट जो नाप सकता है वो है 1 मिली एम्पियर। इसको कहते हैं करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसको हम आईजी कहा करेंगे। इतना करंट सेंड करने पर इसका पॉइंटर पूरा पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये स्टॉपर पिन यहां तक आ जाता है पॉइंटर जीरो से, और यहां पर हम मार्क लगा देंगे 1 मिली एम्पियर का, यानी इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 1 मिली एम्पियर, ये इसकी रेंज। अब हमने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, अभी हम यूजर नहीं है, हम मेकर हैं उस इंस्ट्रूमेंट के, तो हम सोच समझ कर कैलकुलेट करके यहां पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे कि इस मेन करंट के 1 एम्पियर हो जाने के बावजूद, ये एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं कि मेन करंट यदि 1 एम्पियर आप सेंड करेंगे तो इससे अभी भी 1 मिली एम्पियर जाएगा। इस तरह ये शंट हमने चुना है कि कोई भी करंट हम यहां से सेंड करें उसका 1000th part इसमें से जाता है, तो 1 एम्पियर तक का करंट हम इससे सेंड कर सकते हैं। 1 एम्पियर सेंड करेंगे तो 1000th part मतलब 1 मिली एम्पियर इससे जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट शंट से बायपास हो जाएगा। और इसमें डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा फुल स्केल, पर हम क्योंकि मेकर हैं तो हम यहां निशान, यहां पर जो मार्क लगाएंगे वो हम 1 मिली एम्पियर का न लगाकर 1 एम्पियर का लगा देंगे। फिर से सुन लें कि यहां से 1 एम्पियर सेंड किया तो यहां से कितना गया, अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का ही करंट इसमें से जा रहा है, मतलब स्टिल आईजी इज पास्ट, पर सेंड कितना किया हमने आई, और यहां मार्किंग कितने की कर देंगे, मार्किंग हम कर देंगे आई की।
तो हुआ क्या, हुआ फायदा ये कि जो इंस्ट्रूमेंट पहले 0 से 1 एम्पियर मिली एम्पियर तक नाप पाता था, अब वो 0 से 1 एम्पियर तक के करंट्स को मेजर कर पा रहा है, यानी इसकी रेंज 1000 टाइम हो गई है। पहला फार्मूला तो इसका यही होता है। इसकी अब मैथमेटिक्स पर हम आते हैं, तो पहला फार्मूला तो रेंज का, ये आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मदद होगी इससे। रेंज का फॉर्मूला, रेंज क्या होती है, तो रेंज n टाइम्स कहलाती है। यदि ऐसा हो जाए I बाय IG मतलब करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसको लिख देता हूं मैं IG, इसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यह है IG और यह है I, और I और IG में यदि ऐसा रिलेशनशिप है जैसा इस एग्जाम्पल में हमने देखा था, यह है I यानी 1 एम्पियर और यह है 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10^-3, ऊपर ले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब हमारे इस एग्जाम्पल में n की वैल्यू है 1000। और आती कैसे, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, I मतलब नाप पाता है, नाप पाता है, अब कितना नाप पाता है शंटिंग करने के बाद, अपॉन नाप पाता था, कितना वो पहले मेजर कर सकता था, वो जैसे इस एग्जाम्पल में पहले शंटिंग के पहले ये कितना मेजर कर पा रहा था, 1 मिली एम्पियर, शंटिंग के बाद 1 एम्पियर, रेंज चाहिए तो 1 एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो पहला फॉर्मूला तो ये रेंज का हो गया। दूसरा, अब हम अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे लगाते हैं यहां पर, ये आई है ये आई जी है, तो ये कितना है, तो यहां करंट क्योंकि डिवाइड हुआ है तो किरचॉफ का हम जंक्शन रूल लगा देते हैं, तो आई यहां से आया, आई जी इधर से गया, तो ये है आई माइनस आई जी। और हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इधर वोल्टेज कितना आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब आई जी इंटू जी, और इधर से कितना आएगा, यहां से आएगा आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस, आप चाहें तो इसे आई एस लिख सकते हैं, करंट जो शंट में से गया, इसको हटाकर आई एस लिख देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम आई एस इंटू एस। और अब करता मैं ये हूं कि इस आई एस को यहीं रखते हुए इस आई जी को ट्रांसपोज करता हूं, इसी तरह यहां जी प्लस एस, और अब कॉम्पोनेंटो ले लेते हैं प्लस वन, दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं, तो यहां क्या आएगा जी प्लस एस अपॉन एस, और यहां क्या होगा आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, और आई एस प्लस आई जी कितना होगा, तो यहां किरचॉफ लॉ से देखें तो आई मेन करंट इज इक्वल टू आई जी जो जी गैल्वेनोमीटर से पास होता है प्लस आई एस, ये मेन करंट है, तो इसे आई लिख सकते हैं, और इसे यदि आई लिख देंगे अपॉन आई जी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेंज के बराबर हो जाएगा एन, और हमें चाहिए शंट का वैल्यू, हम जानना चाहते हैं कि यदि रेंज एन टाइम्स हो गई है तो शंट का वैल्यू कितना होगा, तो जी प्लस एस अपॉन एस इज इक्वल टू एन, या जी प्लस एस इज इक्वल टू एन एस, और इसलिए शंट का वैल्यू हमको चाहिए। यहां से सॉल्व होकर ये सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यहां से निकल आएगा, जी इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करें एस कॉमन एन माइनस वन, एंड सो वी गेट शंट इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, इसे याद कर लेना चाहिए। और फॉर्मूले याद करने के अलावा इसकी पूरी थ्योरी ही हमको याद रखनी चाहिए, वो क्वेश्चन से हम ये फॉर्मूले उसी समय भी डिराइव कर सकते हैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो क्या याद रखेंगे, रेंज क्या होती है, कितना नाप पाता है अपॉन कितना नाप पाता था। जब वो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एक एमीटर है जो 1 माइक्रो एम्पियर तक नाप पाता है और उसे 1 मिली एम्पियर नाप सकने योग्य बनाना है, तो यह नाप पाता है ये अपॉन ये करेंगे, तो ये होगा 10^-3, ये होगा 10^-6, ऊपर आने पर ये हो जाएगा 1000, मतलब रेंज हो गई 1000। और मान लो उसने कहा है कि उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 50 ओम है, तो शंट कितने का लगेगा, तो शंट बराबर हो जाएगा
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल अपॉन एन माइनस वन, तो जी होगा 50, यहां होगा 1000 माइनस 1, तो उसको 1000 ही मानकर काम कर लिया जाता है, 50 अपॉन 1000 वो उसका आंसर हो जाएगा ओम में, ये शंट हो गया। तो याद क्या क्या करेंगे, रेंजेस मेन करंट अपॉन द करंट विच पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर विच इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये रेंज का फॉर्मूला, करस्पॉन्डिंग शंट का फॉर्मूला जी अपॉन एन माइनस वन। अब तीसरा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का जी, शंट का एस, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड सो विल राइट जी एस अपॉन जी प्लस एस, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और यहां करेंगे ये कि इस जी को यहीं छोड़कर इस एस को यहां ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो जी प्लस एस अपॉन एस हो गया, और यहां से देखें तो जी प्लस एस अपॉन एस इज नथिंग बट एन, तो जी बाई एन। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो इन तीन फॉर्मूलों से ही सॉल्व हो जाते हैं, और यदि नहीं हो रहे हो तो हमको थ्योरी भी इस्तेमाल करके हम उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप तीन फॉर्मूले तो कम से कम याद रखें, रेंज आई बाय आई जी, शंट जी अपॉन एन माइनस वन, और आर इक्विवेलेंट इज जी बाई एन, और वोल्ट मीटर के फॉर्मूले भी इससे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। अब हम समझते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। यदि आपको कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर समझ में आ गया है तो ये बहुत आसान आपको लगेगा। यहां पर मैंने एक सर्किट बना रखा है, इसमें यह है रेजिस्टेंस आर और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है ईएमएफ ई वाली, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, आई इज इक्वल टू होगा ई बाई आर, और मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा देंगे वी इज इक्वल टू आई आर, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर। अब इस वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को यदि नापना है तो हमको गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली आई को नापता है, करंट को, और जो इंस्ट्रूमेंट करंट मेजर कर सकता है वो वोल्टेज तो मेजर कर ही सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यह है गैल्वेनोमीटर और इससे मैक्सिमम जो करंट हम सेंड करते हैं जिसको क्या कहते हैं, करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो है 1 मिली एम्पियर, और मान लो इसका अपना उसकी आर्मेचर का रेजिस्टेंस वो है 50 ओम, तो 1 मिली एम्पियर सेंड करने पर इसका जो पॉइंटर होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और यहां पर हम मार्क करेंगे कितना, 1 मिली एम्पियर, तो ये एमीटर जैसा काम कर रहा है या गैल्वेनोमीटर है। और यदि हम इस रेजिस्टेंस का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो वी इज इक्वल टू आई आर से हम फाइंड करेंगे, करंट कितना है 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो मल्टीप्लाई होकर यह आएगा 50 मिली वोल्ट के बराबर। तो यहां पर जो मार्क लगा हुआ है यहां पर हम क्या छाप देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, 50 मिली वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर जैसा काम करने लगेगा, वोल्टेजेस मेजर करेगा। तो सीधे सीधे ओम्स लॉ लग रहा है, मतलब जो आई नाप सकता है उसमें इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आई आर, और ये होगा मैक्सिमम वोल्टेज जो ये मेजर कर सकता है। तो इसका वोल्टेज यदि नापना है हमको इस आर के अक्रॉस ये वोल्टेज, तो हमको करना क्या पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को लाकर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जैसा वहां पर एक कंस्ट्रेंट था कि टू मेजर करंट गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, वैसे यहां क्या होगा, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में लगा देंगे यदि यहां, तो वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड हो जाता है, तो पैरेलल में लगाना ये मजबूरी हो गई, यानी इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। यह है वो ईएमएफ, मान लो ये करंट है आई, सपोज अभी भी करंट आई ही रहा सपोज, तो होगा ये कि इस जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड होगा, इसमें से गया मान लो आई जी, तो बचा हुआ करंट इसमें से
पास होगा आई माइनस आई जी। तो वोल्टेज ये था जो हमें नापना था, और इस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्योंकि करंट डिवाइड हो गया तो वोल्टेज जो नाप कर हमको मिलेगा, जो ये रीड करेगा, वो कितना होगा आई जी इंटू जी, या फिर हम कह सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू आर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसने नाप कर बतलाया कितना आई माइनस आई जी इंटू आर, जबकि वो है कितना आई आर, यानी ये वोल्टेज वी नहीं है बल्कि वी डैश है, और वी डैश कैसा है, वी से कम है, यानी फिर से एरर आ गई। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि इसमें एरर आएगी। अब इस एरर को यदि कम करना है तो हमको करना क्या होगा, करना ये होगा गैल्वेनोमीटर को तो हमेशा पैरेलल में ही जोड़ेंगे, हम ये चाहेंगे कि इस ब्रांच का करंट कैसा हो जाए कम से कम। आइडियली इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमें इनफाइनाइट बनाना है, बढ़ाना है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट कर दें, आइडियली इनफाइनाइट कर दें, प्रैक्टिकली इसको इतना ज्यादा कर दें कि यहां से करंट आने पर आई के वो जब डिवाइड हो तो इस ब्रांच में बहुत कम जाए। ऐसा होने से क्या होगा, ये आई जी यदि नेग्लिजिबल होगा तो वी डैश वी के बराबर हो जाएगा, एरर कम हो जाएगी, और यहीं से अराइज होता है इसका फंडा, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर का। यानी हमको जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर जैसा यूज करना है तो उसके रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहां आते हैं, इसके फॉर्मूले निकालते हैं। यह है मान लो वो गैल्वेनोमीटर, इसकी क्वाइल का रेजिस्टेंस जी, और यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज होगा करंट आई जी इंटू रेजिस्टेंस जी, आई जी टाइम्स जी। ये वोल्टेज ये मैक्सिमम नाप सकता है, इस समय डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, हम करंट नहीं मेजर कर रहे हैं, हम आई जी इंटू जी का मल्टीप्लाई करके यहां जो मार्क लगाएंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग, यहां जो प्रिंट करेंगे वो लिखेंगे हम आई जी इंटू जी, मतलब ये वोल्ट मीटर जैसा काम कर रहा है, और इतना वोल्टेज मैक्सिमम ये नाप सकता है, इसको हम कह देते हैं वी ओल्ड। ये है जो पहले वो नाप पाता था, नाप पाता था या माप पाता था, ये है वो वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, हमको इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। अब रेजिस्टेंस यदि बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम ये करेंगे कि सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो आप याद लाएं कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तब लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया था हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ, यहां गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ऐसा करने से क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जी प्लस एस हो जाएगा, सीरीज है पर अभी भी हम करंट कितना सेंड कर रहे हैं डिफ्लेक्शन के लिए, वो है करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन तो इतना ही आएगा, पर हम यहां निशान लगा देंगे या यहां जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा आई जी इंटू जी प्लस एस के बराबर, ये हम वहां पर मार्क लगाएंगे, यहां पर इंस्टेड ऑफ आई जी टाइम्स जी हम यहां मार्क लगाएंगे आई जी इंटू जी प्लस एस का, यानी इसकी रेंज बढ़ गई। अब ये इतना वोल्टेज नाप पाता है, ये हो गया वी न्यू, ये नाप पाता है, इसका मत। अब सबसे पहले रेंज की बात, रेंज के लिए हम ये याद लाएं कि जब हम कन्वर्शन कर रहे थे गैल्वेनोमीटर का एमीटर में तब हमने रेंज क्या लिखा था, रेंज लिखा था हमने जो ये शंट लगाने के बाद लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अब ये जितना नाप पाता है अपॉन जितना ये नाप पाता था करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, उसको हम रेंज कहते थे, वहां एन बराबर था आई बाय आई जी। यहां रेंज क्या हो जाएगी, अब ये वोल्टेज जितना कुछ नाप पाता है मतलब वी न्यू अपॉन वी ओल्ड जितना ये नाप पाता था, अब इसमें इससे डिवाइड कर देना, यानी क्या आएगा जी प्लस एस अपॉन जी,
वहां याद लाएंगे आप तो आपको याद आएगा कि वो था जी प्लस एस अपॉन एस, ये है जी प्लस एस अपॉन जी के बराबर। ये तो रेंज का फॉर्मूला हो गया। इस तरह आप रेंज कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले। सवालों में ऐसा आएगा कि वो 1 मिली वोल्ट नाप पाता था, अब वो 1 वोल्ट नाप पाता है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 मिली वोल्ट यानी इसकी रेंज 1000 टाइम्स हो गई है। तो शंट कितना लगाया जाना चाहिए यदि रेंज n टाइम्स हो गई है? तब हम शंट का वैल्यू निकाल रहे हैं कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन जी इज इक्वल टू जी प्लस एस, वी नीड टू फाइंड एस। तो एस कितना हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करें तो जी इंटू एन माइनस वन। तो आपको याद आया होगा कि एमीटर वाले केस में, एमीटर वाले केस में शंट की वैल्यू आया करती थी जी अपॉन एन माइनस वन, जबकि यहां क्या आ रही है? जी इंटू एन माइनस वन। और अब निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिख ही रहा है आपको कि ये दोनों सीरीज में है, तो इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या वोल्टमीटर का, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, जब हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया है, तो ये वोल्टमीटर बन गया है अब। और इस वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी प्लस एस होगा, और जी प्लस एस यहां से दिखाई दे रहा है एन जी के बराबर, एन टाइम्स जी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का एन टाइम्स हो जाता है, जिसमें एन रेंज है, जबकि वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था जी बाई एन। तो ये तीन फॉर्मूले एमीटर के, और इसी तरह के तीन फॉर्मूले अभी वोल्टमीटर के लिए हमको मिले। एन बराबर कैसे याद लाएंगे? वी न्यू अपॉन वी ओल्ड, कितना नाप पाता है अपॉन कितना नाप पाता था। शंट कितना लगेगा? तो जी इंटू एन माइनस वन। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एन जी के बराबर। तो ये तीन फॉर्मूले एमीटर के लिए, ये तीन वोल्टमीटर के लिए याद रखना चाहिए। और जब भी ये फॉर्मूले भूलें तो हमको हमारी थ्योरी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, वापस थ्योरी पर आना चाहिए। बहुत कम समय में ये डिराइव हो जाते हैं, बल्कि नंबर्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ आप इसको करेंगे तो भी ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इन्हीं पर बेस्ड, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब ये पहली प्रॉब्लम कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर पर बेस्ड है। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, यानी क्या दिया हुआ है? ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना? 50 ओम। उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, एंड इट्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट मतलब शंटिंग के पहले वो इतना नाप पाता था, आई जी कहते हैं हम इसे, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 माइक्रो एम्पियर। वॉट वैल्यू ऑफ शंट इज टू बी यूज सो दैट इट कैन मेजर करंट्स अप टू 5 मिली एम्पियर। हमको इसे इस रेंज का बनाना है, ये 50 माइक्रो एम्पियर तक नाप पाता है, और हमको इसको 0 से 5 मिली एम्पियर तक मेजर करने लायक बनाना है। मतलब ये है वो करंट, मेन करंट आई, 5 मिली एम्पियर। तो आपको याद आ गया होगा, यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहें तो आपको यहां रेंज मिल गई है। रेंज कितनी? करंट जो वो मेजर कर पाता है अपॉन जो वो मेजर कर पाता था, आई बाय आई जी, आई एस 5 मिली एम्पियर एंड आई जी एस 50 माइक्रो एम्पियर। तो ये 1/10, तो ये हुआ 5/50, ये मिली मतलब 10^-3, और ये कितना होगा? 10^-6 एम्पियर। वो 6 माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 6 बन गया, यानी 1000/10 मतलब 100 हो गया एन का वैल्यू। यानी इसकी रेंज, यानी इसकी रेंज 100 हो गई है। और आपको शंट का सीधे फॉर्मूला मालूम है, एस बराबर क्या होता है? जी अपॉन एन माइनस वन। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो 50 ओम दे रखा है, एन इज 100 माइनस 1, और 100 माइनस 1 को अप्रोक्सीमेटली आप 100 ही अज्यूम कर लेना, तो 50 अपॉन 100 यानी 1/2, यानी दिस इज नियरली 0.5 ओम, यानी शंट जो है वो 0.5 ओम का लगाना पड़ेगा। तो ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। मान लो फॉर्मूला आप भूल रहे हो कभी,
तो अपने बेसिक्स पे आना चाहिए. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो कितना दे रखा है जी, इट इज गिवन टू बी 50 ओम. और हम शंट कर देते हैं इसको. सवाल की भाषा से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्शन है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में. ये है वो शंट, इसी की वैल्यू हमें चाहिए. ये वो मेन करंट, ये है वो मेन करंट 5 मिली एम्पियर. और इससे अभी भी कितना पास होता रहेगा, 50 माइक्रो एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग करंट. तो इसमें से कितना पास हो रहा है ये हम यहां से निकाल सकते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिली, मतलब -3 -50 इंटू 10^-6 -6. ये करंट अब शंट में से होकर जाएगा और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही शंट के अक्रॉस होगा. मतलब 50 माइक्रो एम्पियर करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एस टाइम्स ये इंटू ये करना पड़ेगा. इसको भी हम चाहें तो एम्पियर में बदल देते हैं, इंटू 10^-6 कर देते हैं. तो एस इंटू ये सब कुछ, एस इंटू 5 × 10^-3 अप्रॉक्सीमेटली इतना, क्योंकि इसे हम छोड़ देंगे. ये इतना छोटा है कि इसमें सब्ट्रैक्ट होने के बावजूद इतना ही आएगा, इतना ही हम लिखा रहने देते हैं. ये हमको कैलकुलेट करना है शंट. तो S बराबर कितना हो जाएगा, तो ये होगा 50 × 50 × 10^-6 अपॉन 5 × 10^-3. ये ऊपर जाएगा तो ये 3 बनकर इसको -3 बना देगा. और ये 10 10 2 0 से इसको 1/10 भी लिख सकते हैं हम, 10^-1 यानी ऐसा लिख सकते हैं. और अब ये 25 से कैंसिल, 5/10 मतलब 0.5 ओम. यानी थ्योरी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट दैट पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम. एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 99 ओम, यानी जी हमको दे रखा है, कैपिटल जी. और हमसे पूछा है कि शंट की क्या वैल्यू हो कि मेन करंट का केवल 10% ही गैल्वेनोमीटर से पास होना चाहिए. मेन करंट मतलब आपको याद होगा इसे कहते हैं मेन करंट. और इसका 10% गैल्वेनोमीटर से, इसका 10% मतलब 10 I/100, तो I/10 भी कह सकते हैं इसे. इतना इससे पास होना चाहिए उस वास्ते ये शंट कितने का हो, ऐसा पूछा हुआ है. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे लगा दें हम, I यहां से आया डिवाइड हुआ तो यहां कितना बचा, I - I/10, ये शंट से पास होगा. ये कितना होगा, 9 I/10, कितना होगा 9 I/10, ये शंट में से पास हो रहा है. और बस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही शंट के अक्रॉस. तो G इंटू दिस यानी 99 × I/10, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट 9 I/10 × S. हमको चाहिए शंट का वैल्यू. तो 10 से 10 I से I कैंसिल होता है, S बराबर हो गया 99/9 मतलब 11 ओम. ये सवाल का आंसर हो जाएगा. 11 ओम का शंट लगाने से मेन करंट का केवल 10% ही गैल्वेनोमीटर में से पास होगा. अभी अगली प्रॉब्लम करते हैं. एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन रीड करंट्स अप टू 2 एम्पियर. मतलब ये नया करंट है जो हम उससे नापना चाहते हैं. मतलब ये हो जाएगा वो मेन करंट जैसा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. इतना नापने लायक एक एमीटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है. इफ द कॉइल हैज रेजिस्टेंस 25 ओम, मतलब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, उसकी आर्मेचर का रेजिस्टेंस, एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी आईजी हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग करंट 1 मिली एम्पियर. मतलब मिली एम्पियर तक नाप पाता था और अब उसे 2 एम्पियर नापने लायक बनाना है. What should be the resistance of shunt used? Shunt कितना होना चाहिए? तो आप formula लगाकर सीधे कर सकते हैं इसको. तो इसका solution कैसे करेंगे? तो पहले range निकाल लेते हैं. Range कितनी होती है? जो वो अब नाप पाता है upon जो नाप पाता था. I/Ig. I is 2 ampere and Ig is 1 milli ampere. तो 10^-3 ampere.
यानी रेंज कितनी हो गई, 2 × 10⁻³, यानी 2000 हो गई अब रेंज। तो शंट कितने का होना चाहिए, तो शंट होता है जी अपॉन एन माइनस वन। जी कितना है, जी इज 25 ओम एंड एन इज दिस 2000, तो 2 × 10⁻³ माइनस वन। तो इसको तो आप इतना ही सपोज कर सकते हैं, 2000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1999 होगा, उसकी जगह आप 2000 ही रहने दें। तो ये शंट का वैल्यू हो जाएगा 25 × 2 × 10⁻³। ऐसा होगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया 12.5। इसको आप ऊपर ले जाते, इसको 1000 लिखने की जगह 10⁻³ रहने देते, माइनस 3 हुआ, इसको 1.25 यदि लिखेंगे, हमने क्या किया होगा, इसको 10 से डिवाइड, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 ओम, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये शंट उसमें लगाना पड़ेगा पैरेलल में। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिविजन्स टू 10 डिविजन्स व्हेन अ शंट ऑफ 12 ओम इज अप्लाइड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ 12 ओम का एक शंट जोड़े जाने पर इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है 50 डिविजन्स का, वो 10 डिविजन्स हो गया घटकर। तो हमको मालूम है कि डिफ्लेक्शन और करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि डिफ्लेक्शन 50 से 10 हो गया है, मतलब 1/5 हो गया है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से जो कुछ करंट पहले जा रहा था उसका 1/5 जाने लगा। ये इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, यानी मेन करंट यदि आई है तो गैल्वेनोमीटर से मेन करंट का 1/5 जाने लगा। पहले आई के पास होने पर डिफ्लेक्शन 50 डिविजन्स का आता था और अब 10 डिविजन्स का होने लगा। तो आई ये होगा मेन करंट, ये होगा आई जी, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई बाय 5, दैट इज 4i/5, ये करंट हो गया। और ये शंट कितने का है, शंट है 12 ओम का। तो हमको बताना क्या है, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर अज्यूमिंग मेन करंट टू बी सेम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको बताना है, तो हम अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं दोनों के, गैल्वेनोमीटर और शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब जी इंटू आई बाय 5 इज इक्वल्स टू 12 × 4i/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट होता है, आई से आई कैंसिल आउट होता है, तो जी कितना होगा, तो जी हो जाएगा 48 ओम के बराबर, और यही इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही आसान। अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ 25 ओम कॉइल। ये वोल्ट मीटर की बात हो रही है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब जी यह है 25 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 575 ओम रेजिस्टर। इसके साथ एक 575 ओम का रेजिस्टर, यानी ये शंट है, ये कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। तो कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इसमें से हम करंट अभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले ही सेंड करते हैं, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं ये कितना है 10 मिली एम्पियर, इतना करंट हम सेंड कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन तो इसी करंट से आएगा, और वो कैसा होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हमको बताना क्या है, व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे जी प्लस एस इंटू आई जी, ये इससे नापा जा सकता है, वी न्यू की बात हो रही है, आई जी टाइम्स जी प्लस एस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है 575 + 25 यानी 600 ओम, एंड आई जी एस 10 × 10⁻³ - 3 यानी 10⁻², तो ये हो गया 6 वोल्ट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ वोल्ट मीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 50 ओम एंड रेजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो ये वो गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस ऐसा बोला हुआ है, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1.15 किलो ओम का।
किलो ओम मतलब 1.15 इंटू 10 रेस टू दी पावर 3 यानी हो जाएगा 1150 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का हो जाएगा 50 प्लस 1150 यानी 1200। आगे कह रहे हैं इट कैन रीड पोटेंशियल डिफरेंसेस अप टू 12 वोल्ट्स। तो आपको थ्योरी से याद आया होगा कि इसमें जब हम करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंड करते हैं आईजी, तब आईजी इनटू टोटल रेजिस्टेंस ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है। यानी अल्जेब्रिकली लिखें तो आईजी इनटू जी प्लस एस ये होता है वोल्टेज जो वो नाप पाता है, और ये ही हमको दे रखा है 12 वोल्ट के बराबर। 12 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आईजी इनटू जी प्लस एस, तो ये 1200 यहां डालेंगे, यानी करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आई जी ये कितना हो जाएगा 12/1200 यानी 1/100 एम्पियर। ये है मैक्सिमम करंट या करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन। आगे कह रहे हैं द सेम कॉयल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर विच कैन मेजर करंट अप टू 2 एम्पियर। अब इसी कॉयल को, इफ द सेम कॉयल इज यूज्ड, ये कॉयल इसकी बात हो रही है, इस कॉयल को एमीटर बनाने के लिए यदि हम यूज करें जो कितना नाप सकता हो 2 एम्पियर, तो वो शंट कितना होना चाहिए, मतलब इस कॉयल के लिए काम करें हम। तो कितने की है कॉयल, 50 ओम की, ये जी का वैल्यू। सेम कॉयल मतलब ये पूरा सिस्टम नहीं, सेम कॉयल यूज की है एमीटर के तौर पर जो कितना नाप सके 2 एम्पियर। तो इसमें से अभी भी हम कितना सेंड करेंगे आईजी, जो कितना दे रखा है हमें 1/100 एम्पियर के बराबर, यह है आईजी का वैल्यू। अब हम पहले क्या करें, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हमें कितनी करनी है, 2 एम्पियर करनी है, और इसकी रेंज है कितनी, तो इसकी रेंज यह है, यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन यानी 1/100 एम्पियर। तो यह हो जाएगा रेसिप्रोकेट होकर 200, ये n आ गया, तो करस्पॉन्डिंग शंट कितना होगा, तो वो होता है g अपॉन n माइनस 1 के बराबर। तो g कितना है 50 ओम, इसका रेजिस्टेंस अपॉन n माइनस 1 यानी 200 माइनस 1। आप इस माइनस 1 को छोड़ सकते हैं, 50/200 1/4 यानी 0.25 ये होगा शंट का वैल्यू। और इस 1 को यदि अकाउंट में ले लें 199 लिख लें, तो ये 251 के आसपास आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। अब ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, 5 × 10⁻³ एम्पियर करंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। क्या क्या दिया हुआ है, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, और करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 × 10⁻³ एम्पियर। टू मेजर 5 वोल्ट विद दिस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ इज कनेक्टेड इन, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो इसको तो आप वैसे ही फिल कर देंगे, सीरीज ही होगा क्योंकि ये वोल्ट मीटर की बात चल रही है, और हमको बताना है कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ा जाना चाहिए। तो अभी इसका डायग्राम बना लेना चाहिए यदि कुछ कंफ्यूजन हो। ऐसा होता है, ये होता है आई जी, और ये कितना मेजर कर पाएगा आप शंटिंग के बाद, वो ये है 5 वोल्ट। तो 5 इज इक्वल टू आई जी, ये करंट लेंगे 5 × 10⁻³ इंटू जी प्लस एस, जी इज 1, और हमको वो शंट का वैल्यू चाहिए है, इसको सॉल्व करना होगा हमको। 5 से 5 कैंसिल, ये इधर आएगा ट्रांसपोज होकर 10⁻³ डिनोमिनेटर में, ऊपर जाने पर ये 1000 हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस एस, तो एस इज इक्वल टू हो गया 999 ओम। यानी यहां पर हमको फिल कर देना है 999 ओम, और इसको हमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में। तो ये इसके आंसर्स हैं। तो इन सब सवालों को करने के बाद आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हमको यदि थ्योरी क्लियर होगी तो हमसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम बन जाएगी, केवल फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा।